स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में सीमा सुरक्षा लॉयंस क्लब बाड़मेर की निजी बैंक के संयुक्त तत्वावधान में आज गुरुवार को बाड़मेर की सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय कैंपस में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन बाड़मेर सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक प्रतुल गौतम ने किया। इस अवसर पर रक्तदान की महत्ता पर विचार विमर्श किया गया और विचार करते हुए बीएसएफ के उप महानिरीक्षक प्रतुल गौतम ने कहा कि व्यक्ति रक्तदान कर समाज को एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, तो 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस है 52वां। उसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रोग्राम करा रहे हैं। कल हमने साइकिल रैली कराई थी, उससे पहले हमने कवि सम्मेलन कराया था लायंस क्लब बाड़मेर के सहयोग से, उसका हमने म्यूजिकल नाइट कराई थी और आज इसी उपलक्ष्य हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप कराया है। यहाँ पर इसलिए कराया गया है कि दुनिया में खून की बहुत आवश्यकता है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहे हैं, उनमें खून की आवश्यकता बढ़ती है और साथ साथ ये खून ऐसी चीज़ है जिसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और खून के देने से आदमी के ब्लड ब्लड का संबंध बन जाता है, एक दूसरे संबंध बन जाता है। यही हम लोग करा रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस वो करके हमको इसमें करीबन 100 से ज़्यादा बीएसएफ के अधिकारी गण, एसओ साहिबान, अन्य कार्मिक इसमें भाग लेंगे और इसी उपलक्ष्य हम लोग कल बड़ा खाना भी कराएंगे, जिसमें कि शहर की जितनी गणमान्य नागरिक है। किसान छात्रावास है, सेवा सदन के पास वाली गली, बिल्कुल सेवा सदन के पास। बुलेटिन में वक्त चला।